नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी, एक बार फिर चर्चा में आए सीएम नीतीश कुमार की, देश में आज विधानसभा और उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग की और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले की, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी विस्तार से। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, प्रदेश के सभी सीपीएस को हटाने के आदेश। झारखंड के किसान आदिवासी कांग्रेस जेएमएम से परेशान, पीएम मोदी का सोरेन सरकार पर बड़ा हमला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, बुलडोजर एक्शन पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार का बयान। चुनाव को लेकर आयोग सख्त, पालघर में सीएम शिंदे के बैग और हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग। सीआईएसएफ की महिला बटालियन संभालेगी एयरपोर्ट मेट्रो रेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी, अमित शाह ने दी जानकारी। राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन पर कोच में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मायावती बोली, अब खत्म होगा आतंक। दिल्ली के एनसीआर में पहली धुंध छाई, 10 राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी। धड़ाम गिरे सोने चांदी के दाम, दो दिनों में 2,510 रुपए तक की गिरावट। शेयर बाजार में बिकवारी जारी, ऊपरी स्तरों से निफ्टी 10% टूटा। सेंसेक्स अपने हाई से 8,300 अंक नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कामों से ज्यादा अपनी अतरंगी हरकतों और बड़बोलेपन के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कई बार उन्हें मंच पर अजीबोगरीब हरकतें करते देखा जा सकता है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी कई ऐसी वीडियो सामने आ चुकी हैं जहां वो कभी मोदी का हाथ पकड़ते हैं तो कभी उनके कानों में कुछ कहते नजर आते हैं। वहीं एक बार फिर नीतीश बाबू ने भरे मंच पर कुछ ऐसा कर दिया जिसने सभी को चौंका दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को दरभंगा में नए एम्स की नींव रखी। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौके पर मौजूद थे। नीतीश कुमार ने इस अस्पताल के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति आएगी। वहीं इस दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम मोदी के पैर छूकर सबको चौंका दिया। हालांकि जैसे ही नीतीश कुमार मंच पर प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए झुके तो पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़कर उनको रोक लिया और फिर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मंच पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के सीनियर नेता भी मौजूद थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी नीतीश कुमार मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुक चुके हैं। आपको बताते चलें कि यह तीसरा मौका है जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए हैं। इससे पहले जब दिल्ली में एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें भी बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी, हालांकि मोदी ने उन्हें पकड़ लिया था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को बिहार के विपक्षी नेताओं के द्वारा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान जब नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक साथ मंच पर बैठे हुए थे उसी समय पीएम मोदी ने अभिवादन के लिए सीएम की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो नीतीश कुमार ने अपने हाथ उनके पैर तक बढ़ा दिए, जिसका वीडियो शेयर कर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। वहीं पीएम मोदी बिहार के राजीगढ़ में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ थे। जब पीएम मोदी नीतीश कुमार के पास बैठे हुए थे तब अचानक से नीतीश ने उनका हाथ पकड़ लिया और उंगली चेक करने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। खैर, आपको अब ले चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के शोर के बीच पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। झारखंड चुनाव के साथ ही बिहार और पंजाब की चार चार सीटों समेत
राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर असम तक 11 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए भी हो रहा है। राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई वायनाड लोकसभा सीट ने उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से लेकर बिहार, पंजाब और वायनाड उपचुनाव तक किसका क्या दांव है, आइए आपको बताते हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार अभियान तक शिमोह गुरु यानी कि शिबू सुरेन ही धुरी रहे हैं। इस बार के चुनाव में पहली बार ऐसा है कि पार्टी की रणनीति से लेकर प्रचार अभियान और फैसलों तक पूरी कमान हेमंत सुरेन के हाथ में है। उम्मीदवारों का सवाल हो या गठन का, जेएमएम की डिजाइनिंग सीट पर हेमंत सुरेन ही नजर आए हैं। ये चुनाव हेमंत के लिए अस्तित्व का सवाल भी बना जा रहा है। ये सवाल इसलिए भी गहरा हो गया है क्योंकि चंपाई सुरेन और लोबिन हेमब्रेन जैसे कद्दावर नेता चुनाव से पहले ही हेमंत का साथ छोड़कर विपक्षी खेमे में शामिल हो चुके हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। 2025 के बिहार चुनाव से पहले हो रहे ये उपचुनाव सियासी दलों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड गठबंधन के साथ ही विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले गठबंधन के लिहाज से भी अहम माने जा रहे हैं। इन उपचुनावों में चुनाव रणनीतिकारों से राजनेता बने प्रशांत किशोर यानी कि पीके की पार्टी जन सुराज ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे सियासत के माहिर नेताओं के बीच पीके कितनी जगह बना पाते हैं, इस लिहाज से भी इन चार सीटों पर ये उपचुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अगर बात करें वायनाड सीट की, तो वहां प्रियंका गांधी को सियासत में वैसे तो कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन अब तक वह चुनावी रणनीति से काफ़ी दूर थी, लेकिन अब चुनावी राजनीति के नज़र आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में रायबरेली या अमेठी सीट से प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में उतरने की जगह प्रचार अभियान पर फोकस किया। अब ये दक्षिण भारत के केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव से चुनावी सफर पर आगाज हो चुका है प्रियंका गांधी का। राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर प्रियंका गांधी के चुनावी आगाज को बड़ी जीत के साथ यादगार बनाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट्स की ओर। उत्तर प्रदेश में अपराध की घटना होते ही गरजने वाला बुलडोजर क्या अब शांत हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के आज आए बड़े फैसले के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के नेताओं की ओर से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो बुलडोजर का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए करने का भी आरोप लगा दिया है। इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि क्या वे माफी मांगेंगे। वहीं योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, पूरे देश में इसका स्वागत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य किसी के घर को गिराने का नहीं है। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। ऐसे में जानते हैं कि किस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज बताए गए निर्देश लागू किए जाएंगे। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश, सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन या जल निकाय पर अनाधिकृत कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। इसके अलावा फैसला उन मामलों पर भी लागू नहीं होगा जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया हो। अगर बुलडोजर एक्शन कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित अधिकारियों को नुकसान के भुगतान के अलावा ध्वस्त की गई संपत्ति की प्रतिपूर्ति के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चे पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बुलडोजर एक्शन का आदेश पारित होने के बाद भी प्रभावित पक्ष को उचित मंच के समक्ष ध्वस्तीकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ वक्त दिया जाएगा। जाहिर है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लगातार होता रहा है। दरअसल 2017 में
सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर को एक मॉडल बना दिया गया था। हालांकि योगी सरकार की ओर से जितने भी बुलडोजर एक्शन हुए उसको लेकर पहले से ही कार्रवाई चलने की बात सामने आई थी। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से भी रूबरू करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश के संगम स्थल प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ का नौता, दिव्यता और भव्यता का एहसास कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं दुनिया के विशिष्ट लोग भी महाकुंभ में सम्मिलित होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए लालायित हैं। महाकुंभ के दौरान पहली बार इजराइल, अमेरिका, फ्रांस समेत तमाम देशों के दिग्गज गंगा आरती में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही नेता के जवान भी आरती में शामिल होंगे। इसी तहत महाकुंभ के दौरान सीएम योगी के साथ ही देश के कोने कोने से आ रहे विशिष्ट संतों का सम्मान करने की योजना भी बनाई गई है। भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों के संतों का एक साथ महाकुंभ के महाआयोजन में सम्मिलित होना अस्मरणीय होगा। भारत के सबसे बड़े राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ के प्रति विश्व के ताकतवर देशों के लोगों में क्रेज लगातार बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के जवानों के साथ इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा और कई देशों के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के से मिलने भारत आ रहे हैं। ये सभी विदेशी मेहमान यहाँ की प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होंगे। ये सभी हरिहर गंगा आरती समिति के मेहमान होंगे। इस बार महाकुंभ को अस्मरणीय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।